अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सदफ साजिद। आज की मेरी रेसिपी है चिकन ब्रेड, बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाली। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये मैंने लिया है ऑल पर्पस फ्लावर 1/2 kg, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ड्राई ईस्ट, ये 1 टीस्पून है। इन तीनों को मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें एक अंडा डाल दें। अंडा मिक्स करने के बाद मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, वो आप मिक्स करें इन सब चीज़ों को। उसके बाद हम इसमें 1/2 कप मिल्क और 1/2 कप पानी, ये दोनों चीज़ें हमने इसे डालनी है। मिल्क इसको सॉफ्ट करने के लिए है डो को, और वैसे हमने इसको गूंदना है पानी से। नीम गरम पानी लेना है, नीम गरम दूध लेना है। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें, और बहुत ज़्यादा सख्त डो भी नहीं बनानी, ना बहुत नरम। बस ये देखें, अब इसे आप सरफेस पर निकाल के स्ट्रेच करें। इस आटे की तरह नहीं गूंदना, मैदे वाली चीज़ों को हमेशा स्ट्रेच करके गूंदते हैं। तो ये देखें आप, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, बस अब इसे रेस्ट के लिए मैंने ऑयलिंग करके इसके ऊपर, और 1 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था इसे। अब हमने इसकी फिलिंग तैयार करनी है। फिलिंग में मैंने एक स्मॉल अनियन ली है चॉप, ब्लैक पेपर है और सॉल्ट है। ये आप देखें, मैं बनाती जाऊँगी साथ साथ। बस 2 टेबल स्पून ऑयल लिया मैंने, और ये इसमें मैंने चॉप्ड अनियन डाल दिए। बस हल्का सा इसे सौते करना है, कलर नहीं देना हमने। अब इसमें मैं डालूंगी फिर अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने डाला है इसमें मैदा, ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर ज़्यादा जाएगी क्योंकि इसमें और कोई फिलिंग में कोई मिर्चें किसी किस्म की नहीं है, तो सिर्फ इसी का ही फ्लेवर आएगा। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, मैदा और अनियन, इसे अच्छी तरह भून लें। अब इसमें आप 1 कप दूध डाल दें। दूध डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करें, लम्स ना बने इसमें, और अच्छी तरह हिलाते जाएं। बस बहुत गाढ़ा भी नहीं करना इसे। इसमें अब हम चिकन ऐड करेंगे। जब ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा सारा, अब इसमें चिकन ऐड कर दिया। चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था, श्रेड कर लिया था। चिकन को आप बॉईल कर लें, बॉईल करने के बाद उसके रेशे कर लें, अब वो इसमें ऐड करें। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और मैंने आपको बतानी है। अगर आपने मैदा यूज़ नहीं करना तो सिर्फ आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट चिकन और क्रीम, सॉल्ट और पेपर, बस ये हमारी डो फिलिंग तैयार हो गई है मेरी। अब आप एक पैन ले लें जिसमें आपने इसको बनाना है। मैंने तवा लिया था क्योंकि साइज़ में बड़ी थी, तो मैंने तवा लिया, उसे ग्रीस करके रख दिया। ये देखें, डो भी राइज हो गई है अच्छी तरह। अब आप एक सरफेस पे से दोबारा निकालें, इस पर थोड़ी मैदा डस्ट करें, और अब इसको पेड़ा बना लें। अब जितनी आपने लेनी है उसको कट कर लें। मैंने ये 1/2 kg लिया था। 1/2 kg में से मेरे पास ये अभी डो ज़्यादा है, मैंने थोड़ी सी इसमें से निकाल के और इसे दोबारा लिया, पेड़े को छोटा किया। अब हमने इसको स्क्वायर शेप में बनाना है, चकोर शेप में। ये आप इस तरह बेल लें, इसे हाथ से कर लें, बेलन से कर लें, जिस तरह भी आपको ईजी हो। अब ये मैंने उस पैन पर डाल दिया, यानी तवे पर डाल दिया, मैं तवे पर बना रही हूँ ये। और एक तवा मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया। अब ये फिलिंग जो है बिल्कुल सेंटर में रखनी है आपने, सेंटर में रख के कट लगाने हैं इस तरीके से, दोनों साइड्स पे कट लगाने हैं। ये इसी तरह सेम दूसरी साइड पे, और बस फिर आप एक दूसरे के ऊपर इस तरह 1 by 1 आप स्ट्रिप्स को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस की शक्ल में, जैसे ब्रेड बनती है उस शेप में रखते जाएं। ये तैयार है बिल्कुल। अब इस पे आप अंडे की भी, एग योक की भी आप ब्रश कर सकते हैं ब्रशिंग, ये और मिल्क से भी कर सकते हैं। मैंने आज मिल्क से की है, और इस पर थोड़े से हमने सेसमी सीड यानी तिल छिड़क दिए हैं, थोड़ी सी कलौंजी मैंने इसमें बाद में डाल दी थी, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इसे मैंने 5 से 7 मिनट के लिए रख दिया था लो फ्लेम पे। ये देखें, 10 मिनट के बाद इसका ये कलर नीचे से बिल्कुल तैयार है ये। अब इसको मैंने साइड को चेंज किया थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छा कलर दूसरी तरफ भी आ जाए। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया, बस 2-3 मिनट में ये कलर आ गया। इसको फिर मैंने डिश आउट कर लिया, बहुत मज़े की बनी थी। अभी भी देखें कितनी गर्म है ये, और अंदर से इसका जो मिक्सचर है वो बड़ा जूसी सा है, खुश्क नहीं है बिल्कुल। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। मुझे कमेंट्स दें, मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह।